Hello everyone, I am Urmila and welcome back to my channel again, Grill for Life. Today I am going to make an authentic recipe, Dum Aloo recipe, which is very seen in the wedding parties and which is one of my most favorite recipe also, and I want to share with you. So let's start. Here are the ingredients. ये मैंने कुछ थोड़ा बॉयल्ड आलू ले रखा है, इसको मैंने 70% कुक कर लिया है। आप बिल्कुल 100% कुक ना करें, थोड़ा सा हार्ड छोड़ दीजिएगा। मैंने बस इसको बॉयल करके इसका पिल निकाल दिया है, और आप ट्राई करके छोटे आलू ले, उससे ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैंने दो टमाटो लिया है, 1 onion लिया है बिग साइज का, थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर, 2 हरी मिर्ची, कसूरी मेथी, थोड़े से खड़े गरम मसाले, और इसके साथ थोड़ा सा काजू तो हमें चाहिए ही, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्टी स्टाइल रेसिपी है। इसके साथ मैंने 1 cup ऑफ कर्ड लिया है, जो कि थोड़ा सा स्वीट है। ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी इसको, बहुत अच्छा सा टेक्सचर एंड लुक देने के लिए। सो मैं फर्स्ट इसको मैरिनेट करूँगी, पोटैटो को मैं बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। साथ में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। मैं इस अनियन को पीसूंगी नहीं, इसको मैं इसमें फाइन चॉप करूंगी। ये वाला बहुत अच्छा है अनियन चॉप करने के लिए, और कोई भी जिंजर गार्लिक इतनी चॉप हो जाता है ना, तक इसमें टमाटो भी अच्छे से क्रश हो जाते हैं। तो मैं इसमें अनियन को क्रश कर ली हूँ। ये देखिए कितने स्मॉल पीसेस हो गए हैं, मुझे बस ऐसे चाहिए। और ये थोड़ा स्पेशल रेसिपी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बना रही हूँ। ये गार्लिक और जिंजर को मैं क्रश करूँगी इसमें, और इस टमाटो की मैं प्यूरी बना लूंगी। इसको मैं काजू के साथ ग्राइंड करूंगी, और ये खड़े मसाले भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसका पेस्ट बना लीजिए। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, काजू एंड टमाटो एंड खड़े मसाले के पेस्ट को। अब मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, ऑयल हीट हो गया है, और इस पोटैटो को भी 10 मिनट हो गया मैरिनेट होते हुए। अब इस पोटैटो को मैं इसमें सैलो फ्राई करूंगी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लाना है तो आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे ये बहुत पसंद है। अब सैलो फ्राई हो जाना है, देखिए इसमें कलर चेंज हो गया, और इसके ऊपर एक थिन सी लेयर भी जम गई है। ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं जो ऑयल बचा है, इसी ऑयल में मैं ऐड करूंगी जीरा और ये बेले और ये गार्लिक और जिंजर को जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड करूंगी। 2 ग्रीन चिल्ली, ब्राउन हो गया है स्टेज पर, मैं ये वो टोमेटो प्यूरी ऐड करूंगी। टोमेटो एंड काजू का भी पेस्ट था। लुक एट द टेक्सचर। अब स्टेज पर मैं थोड़े से स्पाइसेस यूज करूंगी। 1 tablespoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैंने टमाटर ऐड किया है, तो थोड़ा सा सॉल्ट कंपलसरी है। अब मैं इसको अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक फ्राई कर लूँगी।
तक पका लिया था एज यू कैन सी, ऑयल रिलीज कर दिया इसने और मसाले बहुत अच्छी तरह तरीके से पक गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं वो पोटैटो ऐड करूंगी एंड इस पोटैटो को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके स्पाइसेस के साथ बस 1 मिनट तक मिक्स कर देना है। कितना अच्छा कलर आ गया है, ऐसे ही देखने में कितना यमी लग रहा है। अभी इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी वाटर, इसको मुझे ज्यादा वाटर नहीं खाना है, सेमी ग्रेवी ही रहेगा। मैंने वाटर डाल दिया है, अब मैं ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट का ध्यान रखिए, मैं मैरिनेट करते टाइम भी मैंने सॉल्ट यूज किया था एंड टोमेटो के टाइम, अभी मैं थर्ड टाइम सॉल्ट यूज कर रही हूँ तो ध्यान से सॉल्ट डालें। अब इसको बस 1 बॉईल आने दीजिए 1 मिनट तक। ये 2 मिनट तक बॉईल हो गया है, इसे ज्यादा बॉईल नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड पोटैटोज थे। देखिए इसका कलर क्या यमी लुक आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं 1/2 कप ऑफ कर्ड यूज करूंगी, ये हल्का सा मीठा है, खट्टा नहीं है, तो आप भी फ्रेश कर्ड ही यूज करें। बस ये 1 बॉईल आएगा, दही को हमें ज्यादा बॉईल नहीं करना होता है, बस ये 1 बॉईल आने तक हम इसे। अब मैंने इसमें ये कसूरी मेथी डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड करना है, ज्यादा नहीं, बस 1/2 टेबल स्पून। नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। अब मैं इसको बोल में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट रेडी, मैं बस इसको कोरिएंडर लीव से गार्निशिंग करूंगी। सी द मालू इज रेडी, कितना अच्छा कलर एंड टेक्सचर दिख रहा है एंड ये खाने में भी उतना ही यम्मी है ऑफकोर्स। So thanks guys watching for till end and I will be back with a new amazing video. Till then bye bye and don't forget to subscribe my channel. Thank you.